हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी ORG। दोस्तों, आज के वीडियो में हम टेनिस के जितने भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं उनकी एक मज़ेदार ट्रिक देखेंगे, जिससे आपको ग्रैंड स्लैम के सभी विजेताओं के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। बार बार आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस एक बार ये वीडियो देखना है, उसके बाद आपको अपने आप याद हो जाएंगे, आप ट्रिक से रिलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इस वजह से यह सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं साल भर के ग्रैंड स्लैम विजेता होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताएं कि साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें से पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है US ओपन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यानी कि 2 ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जो हार्ड कोर्ट यानी कि कठोर मैदान में खेले जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पहला वाला और एक लास्ट वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन। यह दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, यानी कि इनका मैदान होता है जिसकी सतह कठोर होती है, इसलिए उसको हार्ड कोर्ट कहते हैं। फिर बचे 2, यानी कि फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। तो इनके बारे में देखेंगे। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान में खेला जाने वाला एक टूर्नामेंट है। फिर बचा आखिरी विंबलडन ओपन, ये किस मैदान पे खेला जाता है? तो यह ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान में खेला जाता है। आप इसको याद रख सकते हैं, पहला और आखिरी ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बचा फ्रेंच ओपन मिट्टी के मैदान में खेलते हैं, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान में खेलते हैं। इसका टाइम भी आपको बता दूँ, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जनवरी माह में खेला जाता है। ठीक है, फिर आता है फ्रेंच ओपन, यह मई जून में खेला जाता है। फिर आता है विंबलडन ओपन, यह जुलाई माह में खेला जाता है। फिर आखिरी में US ओपन, जो कि अगस्त और सितंबर के बीच में खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल विजेताओं को। तो इसमें से यह है नोवाक जोकोविच और दूसरे राफेल नडाल। ठीक है दोस्तों, तो अपने को कुछ नहीं करना है, इसकी एक ट्रिक बनानी है, इसमें से अपने इन दोनों खिलाड़ियों के नाम का पहला अक्षर लेना है। यानी कि नोवाक जोकोविच का तो एन ले लेना है, एन ले लिया। फिर राफेल नडाल का आर ले लिया। ठीक है दोस्तों, नोवाक जोकोविच का एन ले लिया और राफेल नडाल का आर ले लिया। तो अपन किसको याद करें, कैसे याद करेंगे? एन और आर में से ये एन लिख लिया, ये आर लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है एन और आर में से? तो पहले एन आता है, फिर आता है आर आता है। तो अपन इसको भी ऐसे ही जमा देंगे। तो इसमें देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्या देगा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है इसलिए एन आ जाएगा, एन। फिर फ्रेंच ओपन बचा, उसमें आ जाएगा आर, एन आर। फिर इसको वापस रिपीट करना है, एन आर, फिर आएगा एन और ये आर। ठीक है दोस्तों, एन आर एन आर, ये आपको इसके आगे कुछ नहीं करना है, ये ट्रिक बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो अपन बता सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। फिर वापस से विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और US ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये याद हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो इनके सही नाम लिखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। विंबलडन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और US ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। ठीक है दोस्तों, कैसा याद हुआ? ऑस्ट्रेलियन ओपन, एन आर एन आर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं महिला एकल को देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नाओमी ओसाका, जापान की खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन किसने जीता? एश्ले बार्टी ने। विंबलडन ओपन किसने देगा जीता? सिमोना हालेप ने। ठीक है दोस्तों, रोमानिया की खिलाड़ी हैं सिमोना हालेप। फिर लास्ट में आता है US ओपन, ये किसने जीता? बियांका एंटेस्कू। तो इसको भी याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, आपको बता दें। तो देखेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखेंगे सबसे पहले वाला, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ले लेंगे आ। ठीक है, और नाओमी ओसाका में ले लेंगे आ। ठीक है दोस्तों, अपन आ आ ले लेंगे इनका, आ से ये रिलेट कर लेंगे। तो अपने को याद रख सकता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नाओमी ओसाका ने। ठीक है, 4 खिलाड़ियों के नाम आएंगे, उसमें से किसी के भी नाम में से देखना है आ किस में है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन किसने जीता? एश्ले बार्टी ने। अपन इसको कैसे याद करेंगे, इसकी भी मज़ेदार ट्रिक बना रखी है। फ्रेंच और एश्ले, तो फ्रेंच में से तो फा ले लेंगे,
इसलिए हम इसे श ले लेंगे। तो क्या बन गया, फिश, फिश, फ्रेंच ओपन, फिश। तो आपको बताएं कि फ्रेंच ओपन मिट्टी के कोर्ट में खेला जाता है, यानी कि क्ले कोर्ट, मिट्टी के मैदान में खेला जाता है। तो मिट्टी के मैदान में खेलने के लिए बहुत ही ताकत की जरूरत पड़ती है, तो अपने को फिश खानी पड़ेगी। तो अपन अगर फिश खाएंगे तो फ्रेंच ओपन जीत जाएंगे। इस तरह अपन इसको याद कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंच ओपन, इसलिए पार्टी ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंबलडन, विंबलडन ओपन, तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट है, ये किसने जीता, सिमोना हालेप। तो इसको याद करने का एक तरीका है, बेहतरीन तरीका है, विंबलडन में अपन से बना लेंगे विमल और सिमोना में से बना लेंगे मोना। ठीक है दोस्तों, तो विमल जो एक मोना नाम की लड़की है, वह क्या खाती है, विमल खाती है। मोना नाम की लड़की विमल खाती है, मोना नाम की लड़की विमल खाती है। तो इस तरह से अपन इसको रिलेट करके करके याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक बना सकते हैं, मोना विमल खाती है, इसलिए इससे बन गया फिश। फिश खाने से अपने को ताकत आएगी और अपन मिट्टी के मैदान में खेल सकते हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का आ, इसका आ, नवमी ओसा का ऑस्ट्रेलियन ओपन ने ओपन जीती थी। फिर लास्ट में बचा US ओपन, इसकी भी एक बेहतरीन ट्रिक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, बियंका एंड्रीस्कू। अपन इसको कैसे याद करेंगे, एक US ब्रांड का ताला आता है, US ब्रांड का ताला आता है। अब देखते हैं उस ताले की चाबी गुम हो गई, ठीक है, तो अपन उसको कैसे खोलेंगे, अपन को ताले को तोड़ना पड़ेगा। तो अपन ताला कैसे तोड़ते हैं, स्क्रू की मदद से ताला तोड़ेंगे। तो US ओपन किसने जीता, बियंका एंड्रीस्कू, बियंका एंड्रीस्कू ने US ओपन जीता। ठीक है दोस्तों, ये हो गई ट्रिक, याद हो गई अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ चलते हैं। आपको याद हो चुकी है महिलाओं की ट्रिक भी याद हो चुकी है, पुरुषों की ट्रिक भी याद हो चुकी है, NR और नाओमी ओसाका, एशले बार्टी, सिमोना हालेप, बियंका एंड्रीस्कू। आपको बताएं कि नोवाक जोकोविच है, जोकोविक है, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और राफेल नडाल है स्पेन के खिलाड़ी, ये सर्बिया के हैं, ये स्पेन के खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं नाओमी ओसाका, ये जापान के खिलाड़ी है। अपने को जापानियों के नाम ऐसे होते हैं, ओसाका से आपको एक चीज़ और याद आ रही होगी, हाल ही में G20 की एक मीटिंग हुई थी, तो ये कहाँ हुई थी, जापान के ओसाका शहर में। अपन इससे भी याद रख सकते हैं कि ओसाका जो है जापानी लड़की है। ठीक है, एशली बार्टी ऑस्ट्रेलियन लड़की है, सिमोना हालेप रोमानिया की खिलाड़ी है, और बियंका एंड्रीस्कू ये कनाडा की खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, 23 वर्ष की हैं ये, सबसे कम उम्र में जीतने वाली महिला खिलाड़ी है बियंका एंड्रीस्कू। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आंसर सेट की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था, US ओपन। तो ट्रिक वापस से याद करिए आप, US ओपन यानी कि US ब्रांड का ताला था, उस ताले की चाबी गुम हो गई है, तो अपन इसको कैसे खोलेंगे, किसे तोड़ेंगे, तो उसके लिए स्क्रू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बियंका एंड्रीस्कू। ठीक है, US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब बियंका एंड्रीस्कू ने जीता। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट एक ऐसा टेनिस टूर्नामेंट है जो खेला जाता है, कौन से मैदान में, यानी कि मैदान का नाम पूछ रहे हैं, किस में खेला जाता है। तो विंबलडन खेला जाता है ग्रास कोर्ट, यानी कि घास के मैदान में खेला जाता है। मैंने आपको बताया था ऊपर वाले, एक तो ऊपर वाला सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला, ये किस पर खेले जाते हैं, ये खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पे, हार्ड, ये भी हार्ड पे खेलते हैं। फिर बच्चा फ्रेंच ओपन, फिर बच्चा विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन खेलते हैं क्ले कोर्ट मिट्टी पे, और विंबलडन ओपन खेलते हैं ग्रास पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा प्रश्न, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो फ्रेंच ओपन अपन वापस से ट्रिक रिवाइज करेंगे, NR, N और R। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे, NR, NR। तो फ्रेंच ओपन का क्रम आता है दूसरे नंबर पे, यानी कि मई जून में खेलने वाला है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है, फिर फ्रेंच ओपन आता है, फिर आता है विंबलडन ओपन आता है, फिर US ओपन आता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे नंबर का है, यानी कि राफेल नडाल। तो फ्रेंच ओपन किसने जीता, राफेल नडाल ने। ठीक है दोस्तों, राफेल नडाल। फिर चौथा प्रश्न आता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, अब इनको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, वापस से रिवाइज करेंगे ट्रिक को। ऑस्ट्रेलियन का आ और उसके नाम में, खिलाड़ी के नाम में भी आ होना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका ने, ओसाका में आ रहा है, तो जीता नाओमी ओसाका ने। इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, खिलाड़ी नोवाक जोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं। मैंने आपको बताया था कि जो नोवाक जोकोविक है वह सर्बिया के खिलाड़ी हैं, आप याद रख सकते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खिलाड़ी नोवाक जोकोविक सर्बिया के खिलाड़ी हैं। फिर आते हैं राफेल नडाल, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, यह स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था
राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं। तो यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों यह प्रश्न वापस से रिपीट हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने को ट्रिक वापस से रिवाइज हो जाएगी। तो यूएस ओपन यानी कि यूएस ओपन यानी तो बताते हैं, ट्रिक याद करते हैं। यूएस ब्रांड का एक ताला आता है, तो उसकी चाबी गुम हो गई है, तो उसको खोलने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी? स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका ये सही उत्तर हो जाएगा बियांका एंट्रिस्कू। बियांका एंट्रिस्कू यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2019 महिला एकल का विजेता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2019 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, इसको वापस से याद करेंगे अपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर आता फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर आता विंबलडन ओपन, फिर आता यूएस ओपन। एन आर एन आर, तो इस यहाँ पे विंबलडन में क्या आएगा? एन आएगा। तो ये किसने जीता? विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविक ने। तो पहला प्रश्न, पहला उत्तर सही जाएगा नोवाक जोकोविक ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2019 पुरुष का पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने प्रश्नों की सीरीज यहीं खत्म होती है। फिर अपन वापस एक बार से इस टेबल को देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। देश का नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में इससे भी प्रश्न बनता है। फिर आता फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन किसने जीता? राफेल नडाल ने। ठीक है, स्पेन के खिलाड़ी हैं। फिर विंबलडन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। फिर यूएस ओपन जीता राफेल नडाल ने। ये पुरुष एकल की बात हो रही थी, इतनी थे। ठीक है दोस्तों, फिर आता महिला एकल की बारी आती है। तो महिला एकल किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन नाओमी ओसाका ने। ठीक है दोस्तों, नाओमी ओसाका। फिर फ्रेंच ओपन किसने जीता? एश्ले बार्टी, एश्ले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, और सिमोना हालेप रोमानिया की खिलाड़ी है। इन्होंने जीता विंबलडन ओपन, विंबलडन ओपन 2019 महिला एकल का खिताब। और यूएस ओपन 2019 का खिताब जीता बियांका ने। दोस्तों ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको ट्रिक कैसी लगी ये बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।